हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम अपने लैपटॉप की विंडोज़ को शट डाउन करते हैं तो वो प्रॉपरली शट डाउन नहीं होता और सिस्टम फाइल्स को लोड करता रहता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी हम विंडोज़ को शट डाउन करते हैं तो इसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है मगर इसकी लैपटॉप की जो LED लाइट होती है वो ऑन रहती है। और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टार्ट में आप जाएं और कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करें, वहां से आप सिलेक्ट करें पावर ऑप्शंस टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। और यहां पर आप देख रहे होंगे चेंज एडवांस पावर सेटिंग, इस पर आप क्लिक करें। और यहाँ पर होगा रीस्टोर प्लान डिफ़ॉल्ट, इसको आप यस कर दें, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वैसे। और यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद हम इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से फिर चेक करते हैं। और मैं अब चलता हूँ अपने एक्सटर्नल कैमरे की तरफ। अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं शट डाउन कर रहा हूँ। और अब हम चेक करते हैं कि क्या ये शट डाउन होता है या नहीं। और ये शट डाउन हो गया। और अब हम इसकी LED लाइट चेक करते हैं कि ये वाकई शट डाउन हो गया है या फिर इसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। और यहाँ पर LED लाइट है इसकी लैपटॉप की, और ये देखें ये टर्न ऑफ हो गया है। और पहले ये प्रॉब्लम था कि इसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी मगर इसकी LED लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहती थी और यानी कि लैपटॉप अपने वर्किंग में होता था। और अब हम इसको दोबारा से चेक करता हूँ मैं ऑन करके। और ये देखें अब ये लैपटॉप मेरा ऑन हो गया है। विंडोज़ प्लस आर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर लिखें MS Config। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ स्टार्टअप फाइल्स होती हैं तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और जो जो आपने रखने हैं उसको आप चेक कर लें और अप्लाई ओके कर दें और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें। इसका बेनिफिट ये होता है जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है या कंप्यूटर ऑफ होता है तो जो एक्स्ट्रा लोडिंग फाइल्स होती हैं वो सिस्टम से बाहर हो जाती हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 ये है कि आपने जो रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या ऑन किए हुए होते हैं और जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर्स को टर्न ऑफ करें तो जो भी रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप टर्न ऑफ कर दें और उसके बाद आप अपने सिस्टम को शट डाउन करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।